लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम लोग इसको थोड़ा सा पहले भी देख चुके हैं, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूँ कि अगर ये हमारी सरफेस है तो सरफेस के ऊपर हम लोग बॉल्स लेंगे, तो एक स्फेरिकल सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स लेंगे हम लोग. सो कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट इज ए एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज यू, और इसकी वेलोसिटी लेंगे हम लोग यू. सो यू वन दो बॉल लेने हम लोग को, ठीक है. तो दिस इज बॉल ए, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू वन, ठीक है. अब दूसरा बॉल लेंगे हम लोग ये, ठीक है. सो दिस इज अगेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सेकंड बॉल एंड दिस इज बी एंड दिस इज यू टू इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस सेकंड स्फीयर. दो स्फीयर हम लोग कंसिडर करेंगे कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझने के लिए. अब दो स्फीयर हमारे पास में या दो बॉल्स पकड़ लो, तो बॉल्स को सबसे पहले एक बॉल को हम लोग फेंक देंगे, ठीक है. सो कंसिडर दिस इज सेकंड बॉल, दिस इज बी, और पहले बॉल को हम लोग बाद में फेंकेंगे, ठीक है. तो दिस इज फर्स्ट बॉल, दिस इज ए एंड द वेलोसिटी इज यू वन. पहले बॉल को जब ये बॉल फेंका गया था तो उसकी वेलोसिटी हम लोग लेंगे यू, ठीक है. अगर अज्यूम करके अगर हम लोग समझे तो अगर मान के चलो कि इसकी स्पीड, इसकी फेंकने की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे जो पहला बॉल रहेगा हमारा ये, ठीक है, इसकी बॉल की स्पीड रखेंगे हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. एंड द मोशन ऑफ बोथ द बॉल्स इज सेम इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों बॉल का मोशन एक ही डायरेक्शन से होना चाहिए, ठीक. पहला बॉल मैंने फेंक दिया कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से. दूसरा बॉल मैंने फेंक दिया सेम डायरेक्शन से, कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है. अब क्या होगा, कुछ डिस्टेंस में जाने के बाद में टकराएंगे, होगा ऐसे, देयर इज अ कोलिजन, ठीक है. अब ये जो कोलिजन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इंसिडेंट ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकंड स्फीयर. पहले स्फीयर का मतलब जो पहला स्फीयर होगा उसका सेंटर ऑफ मास दूसरे स्फीयर के स्फीयर का सेंटर ऑफ मास अगर कोलाइड करता है, इसको कहा जाता है हेड ऑन कोलिजन. क्या कहते हैं इसको, हेड ऑन कोलिजन. व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ वन स्फीयर इज कोलाइड ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ द अनदर स्फीयर, जब पहले बॉल का सेंटर ऑफ मास दूसरे बॉल के सेंटर ऑफ मास से कोलाइड हो जाता है, क्लियर. सो व्हेन इट इज ट्रैवलिंग, सो इट इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन. क्या कहते हैं उसको, हेड ऑन कोलिजन, क्लियर. तो हम लोग को कंसेप्ट रखना है यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन, द मीनिंग ऑफ हेड ऑन कोलिजन की पहले बॉल का सेंटर दूसरे बॉल के सेंटर ऑफ मास से मैच होना चाहिए, मतलब इंसिडेंट होना चाहिए, क्लियर. अब ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि व्हेन देयर इज अ कोलिजन तो दोनों एक ही डायरेक्शन से मूव करेंगे, समझ में आ रहा है. अगर हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा, अगर एक बॉल का सेंटर दूसरे बॉल के सेंटर से मैच नहीं कर गया, देयर इज कोलिजन, सो इट इज मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन से मूव होना चालू हो जाएंगे, समझ में आ गया. देखा है कभी आप लोगों ने ऐसा, इफ देयर इज अ सेंटर टू सेंटर कोलिजन द बॉडी मूव्स इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, एंड इफ देयर इज नॉट द सेंटर टू सेंटर कोलिजन द बॉडी इज मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. होता है कभी ऐसा, देखा है, हम लोग कैरम वैरम खेलते हैं, ठीक है. तो कैरम खेलते समय में अगर आपको पिया, अगर आपकी जो ये जो चीज है जो सीधी अगर मारनी होगी आपको, तो आप हेड ऑन हेड कोलिजंस करते हैं. हमको पता नहीं होता, बट वी आर डूइंग द फिजिक्स. अगर हम लोग को थोड़ा सा एंगल से मारना है तो हम लोग हेड ऑन कोलिजन नहीं करते, वी आर यूजिंग द डिफरेंट टर्म्स, दैट मीन्स वी आर इंसिडिंग द स्टाइगर ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद सम एंगल्स. करते कभी ऐसा, अभी सिंपल सी बात है ना, व्हेन देयर इज हेड ऑन हेड कोलिजन सो बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, एंड व्हेन देयर इज नॉट हेड ऑन हेड कोलिजन सो बॉडी इज मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो हम लोग को ये बॉडी का मोशन कैसा रखना है, स्ट्रेट, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ हेड ऑन कोलिजन, ठीक है. तो बॉडी का स्ट्रेट मोशन कराने के लिए, मेरे को कौन से कोलिजन लेने पड़ेंगे, हेड ऑन कोलिजन, क्लियर. इसकी स्पीड थी 40, इसकी स्पीड थी 60, तो बाद में क्या हो जाएगा, दोनों कोलाइड हो जाएंगे, एंड हेड ऑन कोलिजन की वजह से दोनों वही डायरेक्शन से मूव करेंगे जो डायरेक्शन पहले उनका, क्लियर. तो अब इंसिडेंट होने से पहले या कोलिजन होने से पहले और एक होगा, कोलिजन होते समय में और होगा एक कोलिजन होने के बाद, क्लियर. अब देखते हैं, तो कोलिजन होने से पहले तो हम लोग इसको बोलेंगे बिफोर द कोलिजन, क्या कहेंगे इसको, बिफोर द कोलिजन, क्लियर. तो ये है आपकी कंडीशन, क्या, बिफोर द कोलिजन. और बिफोर द कोलिजन किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा है, एक है, ठीक है. और किसकी स्पीड कम है, सो वी आर टेकिंग दैट इज यू वन इज ग्रेटर देन यू टू. अभी यू वन इज ग्रेटर देन, ऐसा ही तो कंडीशन है यार. सो यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, देयर इज बिफोर द कोलिजन, ठीक है. अब देख उसके बाद में क्या होगा कि भैया कुछ डिस्टेंस में जाने के बाद में क्या दोनों बॉल टकरा जाएंगे एक मिनट से, ठीक है. और दोनों बॉल टकराने के बाद में
न्यूटन का तीसरा लॉ काम कर जाएगा। क्लियर? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं बॉल लूं तो बॉल में ये दीवार को मारू तो दीवार के इधर बॉल को फेंकेगा इधर। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो दीवार है ये दीवार क्या इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएगी बॉल पे, तभी तो बॉल इस डायरेक्शन से मूव होगा ना। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पहले बॉल का मोशन इस डायरेक्शन से, ठीक है, विद कोलिजन होने के बाद में क्या बॉडी का बॉल का मोशन इस डायरेक्शन से हो जाएगा। तो दोनों का कोलिजन होने के बाद में एक बॉल इस डायरेक्शन से भागेगा और दूसरा बॉल इधर के डायरेक्शन से भागेगा। अब मैं कोशिश करेगा बट दिस इज मोशन इन अगेन स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली सेम सेम रही। बॉल का मास बदला गया,
हम लोग बात कर रहे हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी अरे है क्या तो अब यहां से हम लोग तीन चीज ले रहे हैं बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन एट दिस पोजीशन आफ्टर द कोलिजन के लिए मेरी कंडीशन क्या है u2 इज ग्रेटर देन अरे u2 इज ग्रेटर देन समझ में आ गया अब ये u1 और u2 तो हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी ली बिफोर द कोलिजन के लिए अब आफ्टर द कोलिजन के लिए हम लोग वेलोसिटी बदल दे आफ्टर द कोलिजन के लिए वेलोसिटी लेंगे हम लोग v2 एंड v1 v2 एंड तो v2 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1 सो v1 इज अ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर a आफ्टर द कोलिजन क्लियर तो इसकी v1 वेलोसिटी हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 एंड v2 इसकी वेलोसिटी क्या है u1 इसकी वेलोसिटी क्या है इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1 इसकी वेलोसिटी क्या होगी सो नाउ सी u1 इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर a बिफोर द कोलिजन u2 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर b बिफोर द कोलिजन v1 इज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर a आफ्टर द कोलिजन क्लियर एंड v2 इज अ फाइनल वेलोसिटी of the sphere B after the collision. Clear? अब मेरे को क्या लेना है? Law of conservation of linear momentum. क्या लेना है मेरे को? Law of conservation of linear momentum. चलिए, अब law of conservation of linear momentum के लिए फिर से यही बात पे आ जाते हैं हम लोग. देख, when there is a before the collision, इसका force इसके ऊपर नहीं जा रहा, अभी collision नहीं हुआ. ठीक है? So u1 and u2. So these are this initial velocity of this sphere A and B, and this is before the collision. And when there is a collision. जिस समय कोलिजन होगा तो इसका फोर्स इसके ऊपर जाएगा जाएगा क्या और इसका फोर्स इसके ऊपर आएगा बात समझ में आ रही है क्या ठीक है अब ये तो सेम एग्जैक्टली वैसे ही होगा कि मान के चलिए कि अगर एक बॉल रेस्ट पे पड़ा है और आपने दूसरा बॉल उस बॉल के ऊपर फेंक दिया तो वो बॉल के पास में पहले वेलोसिटी थी क्या तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी जीरो इनिशियल वेलोसिटी कितनी और जैसे आपने उस बॉल के ऊपर फेंका दूसरे बॉल को तो वहां पे वो बॉल जब टकराएगा तो वो बॉल क्या मूव करना चालू करेगा अब वो बॉल मूव तो तभी करेगा ना जब देयर इज अ कोलिजन तो उसमें वेलोसिटी पहले तो जीरो थी अब कोलिजन होने के बाद में क्या वेलोसिटी जनरेट होगी तो वेलोसिटी किसने ट्रांसफर की पहले वाले बॉल ने समझ में आ रहा है तो जैसे ही पहला बॉल उसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो उसमें वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी इट एग्जर्ट द फोर्स ऑन द सेकंड और सिमिलरली वो भी फोर्स क्या आपने प्रीवियस वाले बॉल पे लगाएगा तो इसका मोमेंटम कम हो जाएगा और उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा बट द टोटल मोमेंटम दोनों का प्रीवियस में और बाद में क्या दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा उसी को कंजर्वेशन कहते हैं क्या कहते हैं उसको जितना मोमेंटम पहले रहेगा उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा और दोनों का आइसोलेटेड सिस्टम का ये पूरे कंडीशन को कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड कंडीशन एंड द आइसोलेटेड कंडीशन का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट मोमेंटम क्या रहेगा उसका कांस्टेंट उसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसे ही ये बॉल के ऊपर टकराएगा तो इसका फोर्स इसके ऊपर जाएगा और इसका फोर्स इसके ऊपर आएगा ठीक है अब देख द फोर्स ऑफ स्पीयर बी ऑन स्पीयर ए तो
इसमें आप फोर्स जीरो है क्या? नहीं, फोर्स जीरो है क्या? तो क्या इसका फोर्स इसके ऊपर लगा और इसका भी फोर्स इसके ऊपर लगा? दैट मींस देयर इज टू फोर्सेस एक्सर्टिंग ऑन दिस बॉडी. समझा? एक पहला फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी एंड फोर्स ऑफ स्पीयर बी ऑन ए. बोल, समझा? एक का फोर्स दूसरे के ऊपर और दूसरे का फोर्स पहले के ऊपर, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट. नहीं समझा? सी, अब ये बॉल का फोर्स क्या इस बॉल के ऊपर जाएगा? ठीक है, अब ये बॉल का फोर्स ये बॉल के ऊपर जाएगा, तो फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन स्पीयर बी. क्लियर? सो दिस इज फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन स्पीयर बी एंड दिस इज फोर्स ऑफ स्पीयर बी ऑन. समझा गया? ठीक है, अब देख, व्हेन देयर इज अ कोलिजन, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दोनों का मोशन क्या अपोजिट? अबे दोनों का मोशन क्या अपोजिट हो जाएगा? और जैसे ही दोनों का मोशन अपोजिट हो जाएगा, तो एक का मोशन इधर, दूसरे का मोशन इधर, तो आप देख इक्वेशन देखोगे यहां. ठीक है, फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी एंड दिस इज फोर्स ऑफ स्पीयर बी ऑन ए. सो फोर्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ स्पीयर बी ऑन. तो मतलब दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? ए. और ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. दोनों का डायरेक्शन क्या है? क्या इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलेगा अभी. अब दोनों सभी के मोमेंटम लेने हम. ठीक है, अब सभी के मोमेंटम देख. पहले का मोमेंटम, पहले हम लोग बात कर ले पूरा का पूरा बिफोर द पोजीशन. ठीक है, क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई सबको? ये इक्वेशन समझ में आ गई. तो ये इक्वेशन कब की होगी? ड्यूरिंग द, दिस इज फॉर द ड्यूरिंग द पोजीशन. टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन हुआ.
ठीक है। अब टोटल लीनियर मोमेंटम मेरे को आफ्टर द कोलिजन लेना है, बट मेरे को सेपरेट सेपरेट लीनियर मोमेंटम लेने पड़ेंगे दोनों के। पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे पी और पी भी लिया हुआ है, सो पी ए इज वन लीनियर मोमेंटम ऑफ स्पीयर ए बिफोर द कोलिजन। समझ में आ रहा है? लीनियर मोमेंटम ऑफ स्पीयर ए बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। और ये क्या है? टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। क्या सिंगलर तौर पे ऐसे लिया जाएगा? ठीक है, चलेगा। अब इधर यहां मैंने पी ए से डिनोट किया है, मैं अब यहां से फिर से पी ए डैश से डिनोट कर लेता हूं बिकॉज दिस आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, सो तो लीनियर मोमेंटम ऑफ स्पीयर ए आफ्टर द कोलिजन, मास बदला गया? मास बदला गया तो क्या एम वन जैसे के वैसे? अरे एम वन जैसे के वैसे रहेगा। बोल वेलोसिटी क्या है उसकी? वेलोसिटी क्या है उसकी? सोडिस बी वन फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्पीयर ए आफ्टर द कोलिजन। चले सो पी ए डैश, व्हाट इज पी ए डैश? लिनियर मोमेंटम ऑफ स्पीयर ए आफ्टर द कोलिजन। क्लियर हो गया? हाँ, क्या सिमिलर वे में लिनियर मोमेंटम ऑफ स्पीयर बी आफ्टर द कोलिजन लिया जाएगा? सो उसको बोलेंगे पी बी डैश। क्या बोलेंगे उसको? बोली क्वेश्चन पढ़ से एम टू इंटू, सो व्हाट इज एम टू इंटू वी टू? लिनियर मोमेंटम ऑफ स्पीयर बी आफ्टर द विदाउट यहां था चलेगा भी था। अब मैं क्या इसका टोटल लिनियर मोमेंटम ले लो आफ्टर द कोलिजन, तो उसको किसे डिनोट करेंगे? बी डैश। किसे डिनोट करेंगे? सो बी डैश इज इक्वल टू बोल व्हाट से बी ए डैश प्लस विदाउट यहां था कोई डाउट है क्या? चल सामने चलते हैं। दिस इज पी डैश इज इक्वल टू व्हाट? एम वन बी वन प्लस एम टू। सो दिस इज पी डैश इज व्हाट? टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। चल अच्छे से देखिए आपसे, जैसे बिफोर द कोलिजन है और जैसे आफ्टर द कोलिजन है, वो दोनों स्पीयर का मास बदला क्या? मास बदला क्या? क्या बदला? क्या वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई है? और वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई तो जितना पहले मोमेंटम था क्या उतना ही बाद में मोमेंटम है? जितना पहले था क्या उतना ही बाद में है? ठीक, अब देखेंगे हम लोग इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। बट ये पूरे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बट द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। क्लियर? सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम? टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, बट टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, so it's called as law of conservation of linear momentum. Clear? So what is law of conservation of linear momentum? Total linear momentum before the collision is equal to the total linear momentum after the collision, but total linear momentum of isolated system is always constant. It's called as law of conservation of linear momentum. Abhi samjha? So what is law of conservation of linear momentum? Before the collision is equals to the total linear momentum after the collision, but total linear momentum of isolated system is always constant. समझ में आ गया? समझा गया? So this is called as law of conservation of linear momentum. Total linear momentum before the collision is equals to the total linear momentum after the collision, but the total linear momentum of an isolated system is always constant. So this is called as law of conservation of linear momentum. What is law of conservation of linear momentum? Total linear momentum before the collision is equals to the total linear momentum after the collision, but total linear momentum of isolated system is always क्या
after the collision. And this is the equation for total linear momentum after the collision. It means that according to this law, we have to prove that B is equal to P H. भी समझा गया? तो ये लॉ के हिसाब से मेरे को क्या प्रूफ करना है? P is equal to yes. और P is equal to P dash प्रूफ करने के लिए मेरा P क्या है? P क्या है? Total linear momentum before the collision. And what is P dash? Total linear momentum after the collision. क्या ये मेरे को प्रूफ करना है यहाँ से? So P is equal to क्या प्रूफ करना है? P dash. P is equal to क्या प्रूफ करना है? And we have the equation for P again. So we add m1 u1 plus m2 U2. And if we have the equation on P dash again, so this is M1 V1 plus M2 V2. So it means that, can you remember, bro? M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 plus M2 V2. Can you prove this? Yes. And you have to prove this? Yes. Is it so much here? Yes. Here it is so much here? Yes. We will do the proof in a little bit. Is it clear for everyone? Yes. Okay, let's see. Let's do a little bit of revise. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेरे को लेना है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लेने के लिए मैंने दो स्फीयर लिए. ठीक है, देयर इज अ सेंटर ऑफ सेंटर टू कोलिजन, दैट इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन. क्या कहते हैं इसको? एंड व्हेन देयर इज सेंटर टू सेंटर कोलिजन, दैट इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन. तो हम लोग ने दो स्फीयर कंसीडर किए, एक स्फीयर का नाम है ए, दूसरे स्फीयर का नाम है बी. क्लियर? तो तीन कंडीशन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, बिफोर द कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन. एक पहली कंडीशन कौन सी रहेगी? बिफोर द कोलिजन. दूसरी? तीसरी? तो बिफोर द कोलिजन के लिए कंडीशन क्या हमारी? सो नाउ दिस इज बिफोर द कंडीशन एंड दिस u1 इज ग्रेटर देन u2. u1 इज ग्रेटर देन u2. अगर ये u1 इज ग्रेटर देन u2 अगर हम लोग नहीं लेते तो कोलिजन हो गई. नो, होगा क्या? नहीं. क्योंकि अगर u1 इज ग्रेटर देन u2 नहीं है, अगर दोनों की स्पेस सेम, स्पीड सेम है, तो कोलिजन होगा क्या? नहीं. हम लोग को क्या कराना है? कोलिजन. क्या कराना है? तो क्या ये कंडीशन लेनी पड़ेगी? अगर तू इसकी स्पीड ज्यादा ले ले, इसकी स्पीड कम ले, तो क्या कोलिजन होगा? अबे होगा क्या? तो क्या ये कंडीशन लेना जरूरी है? सो u1 इज ग्रेटर देन u1 इज ग्रेटर देन एंड वी आर टेकिंग हेड ऑन कोलिजन. क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेड ऑन कोलिजन? सेंटर टू सेंटर कोलिजन. सेंटर टू सेंटर कोलिजन. चलिए, इधर ये m1 इज अ मास ऑफ द फर्स्ट स्फीयर एंड m2 इज अ मास ऑफ द सेकंड स्फीयर. ठीक है, स्फीयर ए का नाम दिया हमने ए और सेकंड स्फीयर का नाम है बी. ठीक है, ये हो गया तरह बिफोर द कोलिजन. एक आएगा ड्यूरिंग द कोलिजन एंड ड्यूरिंग द कोलिजन देयर आर न्यूटन का तीसरा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये जो स्फीयर है क्या थोड़ी पीछे डायरेक्शन से आएगा एंड अगेन इट इज गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन. क्लियर? और एक चीज बनेगी हमारी आफ्टर द कोलिजन. आफ्टर द कोलिजन किसकी स्पीड ज्यादा बन जाएगी? किसकी स्पीड ज्यादा बन जाएगी? v2. और किसकी स्पीड कम हो जाएगी? सो v1 इज अ फाइनल स्पीड ऑफ स्फीयर ए आफ्टर द कोलिजन. नहीं समझा? v2 इज फाइनल वेलोसिटी. फाइनल किसकी? ऑफ स्फीयर आफ्टर द कोलिजन. और v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर आफ्टर द कोलिजन. इतना क्लियर हो गया? उसी के हिसाब से मैंने इक्वेशन बनाई पहले की. सो दिस इज p इज व्हाट? ये p है क्या? अबे गधो, p है क्या? मैं सिर्फ p की बात कर रहा हूं. लिनियर मोमेंटम ऑफ स्फीयर ए बिफोर द कोलिजन. पीवी लिनियर मोमेंटम ऑफ स्फीयर पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीवी. व्हाट इज पी? टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन पी ए डैश. टोटल कहां से आ गया? वो पीवी है ना, सिंगल है ना, वो लिनियर मोमेंटम ऑफ स्फीयर बी आफ्टर द कोलिजन. कोई डाउट है यहां तक? बोलो पीवी डैश. पी डैश टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. एंड नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम? Total linear momentum before the collision is equal to the total linear momentum after the collision. The total linear momentum of isolated system is always constant. तो मेरे को प्रूफ क्या करना है? P is equal to P dash. तो इक्वेशन क्या मेरी ये बन गई यहाँ तक? ठीक है, चलेगा इधर. Now see this equation. That is F A B is equal to minus of F B A.
कौन? क्लियर? अब देख दोनों की इक्वेशन देख ले मेरे को लीजिए, ठीक है? अब फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी ले लेता हूं सबसे पहले। तो फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी, फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन स्पीयर बी, ठीक है? कौन से स्पीयर का फोर्स किसके ऊपर जा रहा है? ए का फोर्स कौन लगा रहा है? ए फोर्स कौन लगा रहा है? किसके ऊपर जा रहा है? तो मास किसका आएगा? ए का। मास किसका आएगा? चलिए फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन क्या डीवी अपॉन डीटी होता है। मेरे को वो सारी इक्वेशन मेरे को लेनी नहीं है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ से देख लूं तो एफ इज इक्वल टू क्या एम है, तो एफ इज इक्वल टू क्या एम इनटू डीवी बाय डीटी। अबे डीवी बाय और डीवी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस। चल देख अच्छे से, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू डीवी बाय डीटी बनता है। तो यहाँ फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी पे जा रहा है, फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन स्पीयर बी, तो फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी, तो मास किसका आएगा? पहले का। मास किसका आएगा? मास बदला क्या? मास बदला क्या? क्या बदला? वेलोसिटी। क्या बदली? चल देख अगर अच्छे से, फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल बनेगा ना, रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला वही होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, देख अच्छे से, v1 माइनस u1, v1 माइनस डिवाइडेड बाय dt, डिवाइडेड बाय dt, जैसे वैसे रहेंगे ना, कोई डाउट है अंदर? सो दिस इज व्हाट, फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन स्पीयर बी, कोई डाउट है यहां तक? इक्वेशन क्या मैंने यहां से बनाई हुई है, ठीक है? सो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी, और इसी को फिर से मैं डीवी बाय डीटी को ले लूंगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ली जाएगी। अभी ली जाएगी क्या? तो क्या ये फाइनल माइनस इनिशियल कर दी हम लोग? सो वी वन इज व्हाट, मेरी किसकी स्पीयर है, कब की? यू वन क्या और स्पीयर ए, तो क्या फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी समझ में आ गया? क्या फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी समझ में आ गया है? अब तुम बताओ फोर्स ऑफ स्पीयर बी ऑन ए, जल्दी बोलो क्या आएगा? चल सामने बोलो, वी टू माइनस वी टू माइनस यू टू डिवाइडेड बाय, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? सो वी आर टेकिंग बोथ द फोर्सेस, फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी एंड दिस फोर्स ऑफ स्पीयर बी ऑन ए। चलिए दोनों फोर्सेस की इक्वेशन में यहां रखते, ठीक है? अब दोनों फोर्सेस की इक्वेशन यहां रखते, देख इक्वेशन क्या बनेगी, सी हां देख रहे इक्वेशन क्या बनेगी। पहले क्या है, फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी, ठीक है? जल्दी, फोर्स ऑफ स्पीयर ए ऑन बी, सो एम वन बी वन माइनस यू वन डिवाइडेड बाय ए बी, डाउट याद है? इसी इक्वल्स टू माइनस है, ठीक है? ये आ गया माइनस। अगेन एम टू, ठीक है? देख इक्वेशन देख पड़ से, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय, कोई डाउट यहां तक? चलिए कौन कैंसिल हो गया, कैंसिल कौन हो गया? मैं dt dt कैंसिल हो गया ना, dt dt कैंसिल हो गया, देख बचा इक्वेशन m1 v1 माइनस m1 अक्कल चली नहीं रही तुम्हारी, अबे dt dt कैंसिल कर, बचा रहे कि m1 v1 माइनस इज इक्वल टू माइनस एम टू बी टू माइनस, एक एक स्टेप लिखवा देती थी, कंपलसरी है ना बच्चे तुम लोग अभी आज लगी था क्या, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो डायरेक्ट वही स्टेप लिख रहा था मैं, बोल वर्ड से इज इक्वल टू बोल माइनस बी टू, सोच के बोल, सोच के बोल, प्लस M2, इनिशियल एक साइड में, फाइनल फाइनल, चले ये M1 V1 है, ठीक है? और इधर से ये V, ये वाली टर्म इधर ला ले और ये वाली टर्म को उधर भेज दे, तो अबे यार चले ये माइनस किधर आने पर प्लस, देख ये पहले इधर बैठा हुआ है, सो ये M1 V1 उधर से इधर प्लस M2 V2, चलो बोल इधर क्या, पहले वो M2 V2 M2 U2 ले लो ऐसे, ये जनाब इधर प्लस बस M1, इक्वेशन को स्टैंडर्ड तरीके से रिअरेंज कर देता हूँ, देख ये पहले इधर ले लो और ये इधर M1 U1 प्लस M2 इज इक्वल टू
m1 v1 plus m2, तेरे को कुछ नहीं समझा। ये देख अच्छे से, ये p है। ये देख अच्छे से, pb। देख अच्छे से, ये देख अच्छे से, और ये पूरा p। ये पूरा क्या है और ये पूरा क्या है? p = भारत माता की जय।